ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ विक्वान बेल्ट लगाई है विक्वान ने दिखाओ अच्छा अच्छा दिख गई बैठो अब नहीं बेल्ट तो बाहर होगी आप कहाँ हो ये रितवान ने बेल्ट लगा ली है रितवान कहाँ जा रहा है स्कूल बस में ये स्कूल बस है थोड़ी है तो क्या है ये तो आप बोल रहे मैं स्कूल बस में जा रहा हूँ How are you all? कैसे हैं सभी बोलो तो बोलो ओ लड़कू बोलो बोल इधर अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं चॉकलेट खाइए आज हम कहाँ जा रहे हैं रितवान और रितवान के बड़े मामा भाई की कहाँ और सूरज भैया हम जा रहे हैं मार्केट कहाँ जा रहे हैं तो आज हम जा रहे हैं मार्केट में बहुत दिनों के बाद जाने लगे एक दिन पहले भी प्लानिंग हुई थी बट नहीं जा पाए थे और क्योंकि गर्मी बड़ी होती है मार्केट में क्या जाया जाए और रितवान ने रुकना नहीं होता घर पे तो रितवान को पता चल जाए तो रितवान ने रोना होता फिर अगर मैं चली जाऊँ तो इसलिए फिर रितवान को भी साथ में ले के जा रहे हैं बट इतनी गर्मी में अभी तो आज का मौसम ठीक है प्लेट में डाल दो रितवान ने खिलार देने
प्लेट देना है। क्या ये रितवान कहाँ गया था? रितवान कहाँ गया था? ऊपर कहाँ गया था? वो चले गए बर्गर किंग। तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट से, और मार्केट से हम लोगों ने क्या क्या बाई किया है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है फुलकारी, ये मैंने ली है। तो ये देखिए, ये लेके आई हूँ मैं, मैक्सिमम इयररिंग है यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। तो ये है इयररिंग, तो ये देखिए इयररिंग है, एंड ये देखिए आपको कौन सा इयररिंग अच्छा लग रहा है मुझे बताना। और बहुत ही जेन्युइन प्राइजेस का, बहुत ही कम प्राइस है। प्राइस भी बताना कितना है, ये आपके ऊपर है, आप मुझे कितना बताते हो मैं देखती हूँ कितना गेस करते हो। और सभी का प्राइस सेम है, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये वाला देखिए, ये वाला भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं सारे ले लूँ। तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, तो ये वाला मैंने लिया, थोड़ा सा अलग सा ये। और अभी मैं इसको वापस डाल ही देती हूँ, क्योंकि फिर रितवान ने इधर उधर कर देना होता है। रितवान बस मेरी कोई चीज़ नहीं छोड़ता, हर चीज़ तोड़ देता है। आज इसने मेरा कंसीलर तोड़ दिया था, मैंने उसको यूज़ भी नहीं, कई सामान ने इसने तोड़ दिए होते हैं। और ये देखिए, ये पूरे इयररिंग्स हैं ना जो इसमें, वो सभी पूरे साथ में हैं अलग अलग कलर के। और ये है ब्लू कलर में, ये देखिए आप। और उसके बाद ये भी सभी कलर्स में है, और ये ऊपर बड़े वाले हैं और इससे छोटे वाले नीचे हैं। रितवान इधर आओ, जारा साथ ट्रैक्टर, हर चीज ट्रैक्टर के साथ ही बांधनी होती है। ये अम्ब्रेला नहीं बांधते बेबू, अम्ब्रेला टूट जाएगा, टूट जाएगा। पैसे खड़े होते हैं तो सारा साथ खड़े हो जाओ, सारा साथ खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर। और लड़के मार मत, जारा को भी अंदर ले लो, जारा को भी ले लो बीच में। इधर देखो रितवान, इधर देखो, कहाँ गए ये, इधर देखो इधर। तो अभी मैं किचन में, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, और थोड़ा सा बेसन डाल के उसमें डाल रही हूँ पानी, और थोड़ा सा और बेसन मैं बाद में मैंने डाला था थोड़ा। फिर इसमें डाल देना है हरी मिर्च, जीरा और नमक,
और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि इसका कलर थोड़ा येलो येलो आ जाए इसलिए हल्दी पाउडर भी डाल दिया। और अब भाई इसको अच्छी तरह फेंट लेना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये मेरे को थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा और ऐड किया है। तो ये देखिए ब्रेड को सेंटर से ऐसे कट कर लेना है चाकू के हेल्प से। तो ये देखिए फिर उसको डिप कर लेना है ये जो बैटर बनाया है। तो उसके बाद इसको डीप फ्राई करना है। उसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में ऑयल रखा था, ऑयल गर्म हो चुका है, एकदम गर्म हो जाए फिर उसके बाद इसको डालना है यहाँ पर। इस बैटर में ऐसे घोलते हुए साथ साथ में डालते जाना है और इसको भी पलटा देना है, सिर्फ चेंज कर देने दोनों साइड, दोनों साइड में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो ये देखिए ये बन गए हैं और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ईजी वे में बन जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो अभी इवनिंग का टाइम था तो विद्वान ने कुछ खाना था इसलिए उसके लिए भी ठीक रहेगा ये। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सॉस लगा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बने हैं इस वे से। और आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नीचे कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।